सावादा विरमन सिखाप धुंस्माध्यामी बचपन के दिनों में जब हम स्कूल जाया करते थे तो बारिश के मौसम में अचानक ही देशभक्ति के तराने हवा में गूंजने शुरू हो जाते थे। कुछ फिक्स, कुछ रटे रटाए, कुछ जो हमेशा चलते थे वही गाने जो कानों में आदत के अनुसार आते रहते थे और हमें पता चल जाता था कि अब हमें कुछ बूंदी या एक आध लड्डू और एक छुट्टी मिलने वाली है। ये बच्चों की उस समय की खुशी होती थी क्योंकि 15 अगस्त आना है और 15 अगस्त का हम इंतजार करते थे अगर इतवार ना पड़े तो। हमारी खुशी का उस समय ठिकाना नहीं और हम 15 अगस्त को सुबह तैयार होकर जाते थे और समय से पहले स्कूल पहुंच जाते थे क्योंकि उस दिन हमारी छुट्टी होनी है और हमें पढ़ना नहीं है। सभी जितने बच्चे थे, चाहे वो पढ़ने वाले हों या ना पढ़ने वाले हों, सभी के चेहरे चमकते थे, दमकते थे। कोई कह सकता है कि हो सकता है कि ये जो स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी है उसके ऊपर ऐसा हुआ हो, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल वहाँ आम सभा होनी है, वहाँ कोई नेता आना है, एक जो झंडा है राष्ट्रीय झंडा हमारा है वो फहराना है, एक राष्ट्रीय तराना हवा में गूंजना है, सारे बच्चों को मिलके जन गण मन गण गाना है, उसके बाद उसका भाषण जो कभी हमारी समझ में आया नहीं वो सुनना है और फिर वो एक एक जो लड्डू मिलता है और वो लेके फिर चीखते चिल्लाते हुए बिना बस्ते के उस दिन बिना भजन के अपने घर आना है। और घर भी आसानी से नहीं आना है, खूब घूमते फिरते आना है क्योंकि उस दिन छुट्टी है। ये होता था 15 अगस्त का, स्वतंत्रता दिवस का हमारा सारा का सारा बचपन का शेड्यूल जो आम बच्चे का गांव में और छोटे शहरों में लगभग रहता था। स्वतंत्रता दिवस के क्या मायने हैं हमें नहीं पता, मगर बताया ये जाता है कि कुछ महान लोगों की वजह से हमको ये दिन मिला है। बहुत ज़्यादा जो महा एक तरह से जो गद्दार और जो महा देशद्रोही लोग हैं उनकी वजह से ये हमें दिन मिला है, इसको किसी ने बताया नहीं। महानायक और नायक कुछ बना दिए, उन महानायक और नायकों के नाम जैसे शहीद भगत सिंह या वीरांगना झलकारी बाई या सर माता दीन भंग ज्ञानी या जो उधम सिंह जिन्होंने जनरल डायर को मारा था, उनको कह सकते हैं कि वो अमर शहीदों में या जिन्होंने देश के लिए पूरा बलिदान दिया उनकी वजह से ये दिन मनाया जाता है, ऐसा हमको बताया और पढ़ाया जाता है। दरअसल हमको एक ही पक्ष पढ़ाया जा रहा है और एक ही पक्ष बताया जा रहा है, कोई हमें ये नहीं बताता कि ये जो हमारे वीर अमर शहीद या वीरांगना हमारा झलकारी बाई या हमारे शहीद जो भगत सिंह हैं या जो हमारे उधम सिंह हैं या जो हमारे ये जो सर माता दीन भंग ज्ञानी हैं, ये मारे किसने गए, क्योंकि इनको शहीद बना के ढकने की परंपरा है, इनको मारे जाने की गाथा कोई नहीं बताता। किन लोगों की वजह से हमको ये 15 अगस्त का दिन देखना मिला है और जिसपे हम अपना सीना चौड़ा करते हैं और जिसपे हम अपना झंडा फहराते हैं और देशभक्ति के गीत गाते हैं, दरअसल ये आया किन की वजह से है और किन की वजह से आया है, वो देश के गद्दार, वो देश के कमीने और वो देशद्रोही लोग कौन से हैं जिन्होंने भारत को गुलाम बना दिया और गुलाम बनाने की वजह से इन जैसे शहीदों को अपना ग्रस्त का जीवन छोड़ के बेसमय मरना पड़ा, जिसको हम शहीद कैसे हैं, इनके हत्यारे वो लोग कौन हैं। दरअसल हमें उनके हत्यारों का, उन देशद्रोहियों का आज तक भी इतिहास किसने बताया नहीं। पिछले 10 साल से मैं लगातार ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ, 15 अगस्त के गद्दार कौन है, 15 अगस्त के देशद्रोही कौन है, 15 अगस्त के जो ये कमीने लोग हैं वो कहाँ छुपे हुए हैं, उनके वंशज कहाँ हैं, उनके घराने कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं आज के देश में, क्या वो आज भी इसको लूट रहे हैं। अगर आप बुद्ध के समय, बुद्ध से पहले के समय या बुद्ध के बाद में समय जाएंगे तो बुद्ध के पहले में जो मातंग राजा होते थे वो एक युद्धारे थे, जंगल में रहते थे, धमपद ऐसा बताता है गाथा के अंदर। बुद्ध के समय आपने देखा है बुद्ध ने कितनी कितनी बुराइयों के लिए लोगों से लड़े हैं, मरे हैं और कितने लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की है। और बुद्ध के बाद जो सम्राट अशोक जो आए हैं, क्योंकि जो शिशु नाग वंश आए हैं या जो मौर्य वंश हैं या जितने भी वंश आए हुए हैं बाद के समय, उनमें जो मौर्य वंश के शासक रहे हैं अशोक और उनके सबसे बाद के जो शासक रहे हैं जिनको महान रथ बोलते हैं, पाली में महान रथ और वैसे उसको ब्रज रथ बोलते हैं। ब्रज का मतलब महान होता है, जैसे अशोक का महान भारत तो इसको ब्रज भारत ही बोल सकते हैं, पाली के हिसाब से ये महाभारत है और
संस्कृत भाषा के हिसाब से ये बृहद भारत है, तो आप इसको आम भाषा में महाभारत बोलिए। अशोक के महाभारत के समय में राज बहुत बढ़िया चल रहा था, सारी चीजें बहुत बढ़िया थी और इसकी जो बाउंड्री है वो बहुत दूर दूर तक जा चुकी थी। ईरान तक भी राज था और इधर थाईलैंड तक भी राज पहुंच गया था। और उस समय का जो महाभारत है वो आज तक भी उस महाभारत को देखने को कहीं मिला नहीं, वो आज तक भी छोटा भारत ही है, खाली भारत बन के ही रह गया, महाभारत का अब दर्शन नहीं होता। अब तो कोई चीन जैसा देश भी आंख उठाता है और गलवान घाटी में घुस के हमारे सीने पर चढ़ जाता है। स्थिति बड़ी नाजुक और बड़ी गंभीर और बड़ी खतरनाक हो चुकी है। तो ये जो महान भारत के जो नायक थे सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरे इसको बड़ा भारत और महान भारत बनाया, उसको भारत तक बनाने वाले, छोटा छोटा करने वाले वो देशद्रोही वो कौन से लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया बृहदत्त के ऊपर, यानी जो जो महाद्रथ थे राजा, उनको मारा और फिर इस देश को महाभारत को अपने हाथों में लिया और महाभारत को संभाल नहीं पाए और महाभारत को धीरे धीरे करते करते भारत बना के छोड़ दिया। और इतने सारे लोग आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, अरब आए, मुगल आए, इतने सारे बाहर से इन्वेडर्स आए, वो सारे आ कैसे गए? वो लोग जिन्होंने शासन लिया, शासक लिया, वो लोग कौन थे और क्यों उन्होंने बाहर के लोगों को अलाउ किया, क्यों बाहर के लोगों को उन्होंने कुछ नहीं कहा और आज तक भी उन्होंने कुछ बताया नहीं, और क्यों उनकी बातें इतिहास में छुपाई गई? क्या राज लेने वाले लोग और बाहर से आने वाले लोग एक थे जो उनकी बात को छुपा बैठे, या वो इतने नालायक और निकम्मे लोग थे, या देशद्रोही थे, या वो व्यभिचारी लोग थे, या वो कमीने लोग थे जिन्होंने महाभारत का भारत बना दिया और एक बार भी कहीं लिखा नहीं, जिक्र नहीं किया? ये इतिहासकार कोई नहीं बताता कि वो समय कौन सा है जब सम्राट अशोक के पोते यानी जो बृहदत्त हैं, जो महारथ हैं, उनके बाद में शासन जिन लोगों ने लिया वो शासन को चला नहीं पाए, तो उनकी इनकम्पिटेंसी, उनकी नालायकी, उनकी देशद्रोही, उनके धोखेबाजी क्यों नहीं इतिहास के पन्नों में आई? वो इतिहासकार कहाँ चले गए? वो इतिहास कौन ढूंढेगा, कौन बताएगा उस इतिहास को कि भारत के 15 अगस्त के जो देशद्रोही हैं, भारत के जो 15 अगस्त के देश को गुलाम बनाने वाले जो महागद्दार लोग हैं, वो लोग कौन हैं और वो भारत में कहाँ छुपे बैठे हैं? ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि 15 अगस्त की जो खुशी मना रहे हैं, हमें इस खुशी में बनाने में कोई मजा नहीं है, हम इस खुशी को नहीं मनाना चाहते और हम दोबारा से ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी जब देश में आती है और पूरे देश पर राज करती है, तो अब इतनी सारी जो कंपनी आ चुकी हैं, ये कैसे राज कर रही हैं, ये कैसे हमारे पैसे को धनाधन 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 अपने पास लेके जा रही हैं? अब ये हथियारों से नहीं लड़ रही हैं, अब ये हमारा मेहनत को, हमारे पैसे को अपने देशों में ले जा रही हैं और कोई रोकने वाला है नहीं। तब एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब इतनी सारी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई हैं जिन्होंने पूरा देश ही लगभग तहस नहस कर दिया और खत्म कर दिया है। तो उनको ढूंढना बहुत जरूरी है, उस इतिहास से सबक लेना जरूरी है, ताकि फिर हमारा कोई उधम सिंह या फिर हमारा कोई जो भगत सिंह या फिर हमारी कोई वीरांगना झलकारी बाई या फिर कोई हमारा सर माता दीन भंग ज्ञानी दोबारा से शहीद ना हो, सब अपना खुशी से और मंगल से रहें। इसलिए जब आप 15 अगस्त मनाएं तो इस बात को पूछें और इतिहासकारों से कहें कि वो काला अध्याय कहाँ है, वो ब्लैक हिस्ट्री कहाँ है जो नहीं बताई जाती, उसको बताओ कि इस देश को गुलाम और गद्दार किसने बनाया है। ये 15 अगस्त के जो शहीद हुए हैं नायक हमारे, उनसे ज्यादा जरूरी है ताकि फिर आगे लोग शहीद ना हो। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहाँ से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके
या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.